इतना पैसा दबा कर बैठा ना तू। चल तुझे विक्रम भाई बुला रहे, चल तुझे अपना चल नहीं तो ये ठोक दूंगा। मेरी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। निरंजन तू घर पर वापस आ गया ठीक ठाक, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब बातें बाद में। अगली बार अगर सबको मिलने का मन करे ना एक साथ तो ऐसे ही बुला लेना, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और आपकी पहली ईमानदार कोशिश ये होगी कि जिस वजह से आज ये सब हुआ है आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। तुम तो रोज सुबह की चाय रीता के साथ पीती हो। हाँ, लेकिन आज उठकर मैं जब किचन में गई तब मैंने रीता को घर के बाहर जाते हुए देखा। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा कि वो कहाँ जा रही है। निरंजन रीता के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, लेकिन कल निरंजन के साथ जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा परेशान रीता ही थी। और निरंजन को छुड़ाने के लिए उसने अपने सारे जेवर दे दिए। सेठ जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि घर की बहू ने अपने जेवर दे दिए। राहुल कल रात को मैंने तुझे ठीक से थैंक्स भी नहीं कहा यार। थैंक्स तूने मेरे लिए जो भी किया वो मैंने माँ और भाभी के लिए किया था। राहुल पिछले कुछ दिनों में मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा जो कि ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दे यार। देखो भैया आपने जो तब कहा था और आप जो आप कह रहे हो इन सब की मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो फिर माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं खून के बदले कौन? पर माँ साहब हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। अच्छा तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। तो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।